निखिल टीकाराम पुंडे गुरुवार की शाम बसनी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने तीन पीड़ित पशुपालकों को जिला प्रशासन की ओर से 3,40,000 रुपए का चेक और स्वीकृति पत्र सौंपा। डीएम ने यह पहल सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा आकाशीय बिजली से भेड़ों की मौत होने के चलते पीड़ितों की तत्काल मदद करने के फरमान के 24 घंटे के अंदर कर दिखाया। पीड़ित किसान भी जिला प्रशासन के द्वारा मिली मदद से काफी खुश नजर आए। देखिए हमारे संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट। गांव में आए हैं, कुछ लोगों को आपने चेक सौंपा है, क्या है पूरा मामला? यहाँ परसों देर रात आकाशीय बिजली की वजह से लगभग हमारे 3 भेड़ पालकों की 85 भेड़ की मृत्यु हो गई आकाशीय बिजली से। उसी के लिए हम लोगों ने यहाँ पर आज इन लोगों से बात की, कल भी हमारी टीम आई और पोस्टमार्टम और कार्रवाई करने के बाद लगभग 3.5 लाख रुपए की धनराशि हम लोगों ने आज यहाँ पर इनको हस्तांतरित की है। और इसके अलावा जो भी धनराशि या जो भी योजनाओं में इनको सहायता दी जा सकती है सरकार की ओर से, ये भी हम लोग कल और परसों इनको लाभ दिलवाने का प्रयास करेंगे। सर, जिला प्रशासन की ओर से उनको और भी मदद मिलेगी? जैसे मैंने बताया कि अभी हम लोगों ने आपदा की धनराशि ट्रांसफ़र कर दी है और बाकी अन्य योजनाएं जिसमें ये पात्र होंगे वो भी सारी योजनाओं को अगले 2 दिन में हम इनको एनरोल करके उसका भी लाभ दिलवाएंगे। क्या नाम है? राम। कहाँ के रहने वाले हैं? आज डीएम साहब आए थे, कितने का चेक सौंपे हैं आप? 3,40,000। 3,40,000। 3,40,000।